कि मुस्लिम सोसाइटी एक अलग होनी चाहिए जिसके अंदर हुकूक हैं, जिसके अंदर रवादारी हैं, और उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि उनके अंदर अखुवत, रवादारी, मोहब्बत कायम हो, एक दूसरे को वो भाई भाई समझे, एक दूसरे के अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के अंदर इखलास का जज्बा हो, एक दूसरे के अंदर अफू दरगुजर का जज्बा हो। यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सबसे पहले सिखाया कि देखो एक दूसरे के अंदर अखुवत और रवादारी का जज्बा हो। इसी वास्ते तो वो मशहूर तरीन वाकिया जो कि आसमान के तारों में जिस तरह सूरज चमकता है बेआईनी है, उसी तरह इन पूरे मुआशरती एतबार से जितने वाकिए हैं तारीख में, यह हमेशा सूरज बन के चमकेगा जो अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न रबी का वाकिया है, जिसको वो खुद बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों को भाई बनाया, तो इधर अंसार से साद इब्न रबी थे और इधर मुहाजरीन में अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, अशरतुल मुबशरा के सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार खुलफा के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है पांचवें नंबर का सहाबी तो अब्दुर्रहमान बिन औफ है। याद रखिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाहु अन्हु, ये चार तो बितरतीब है, लेकिन अगर पूरे सहाबा में आप टटोलें और देखें इसके बाद का नंबर किसका आता है तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ है, पांचवें सहाबी। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ जब आते हैं सब कुछ छोड़कर तो यहाँ के अंसार एक सहाबी है जिनका नाम है साद इब्न रबी, इन दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजरीन की भाईचारगी में इनको भाई भाई बनाते हैं। तो साद इब्न रबी अब्दुर्रहमान बिन औफ जो उस वक्त एक पाई भी अपने साथ नहीं लाए थे, हालांकि आगे चलकर कुछ सालों के अंदर आपको याद होना चाहिए कुछ सालों के अंदर सबसे बड़े मालदार तरीन सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत उस्मान गनी से भी ज्यादा। हाँ, पूरे सहाबा में मालदार तरीन सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ है, और ये वस्त उनके मरते दम तक रहा, उनसे बड़ा कोई मालदार सहाबी नहीं बन सका। हत्ता की रिवायतों में आता है कि तरका छोड़े तो सोनों के पहाड़ थे, इतना सोना था कि लोग उसको टुकड़े टुकड़े करते करते उनके हाथ जख्मी हो गए, इतने लोगों ने उसे टुकड़े किया तरके तकसीम करने के वक्त, उतना माल छोड़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये सहाबी लेकिन जब यहां आए थे एक पाई साथ नहीं थी, बिल्कुल बेयारो मददगार, साद इब्न रबी के साथ भाईचारा किया, साद इब्न रबी लेके गए घर, सब असासा इकट्ठा किया, और दो बीबियां थी उस वक्त, फरमाया कि आप इस असासा, ये पूरा घराना, मेरा पूरा घर का सामान आपके सामने है, आप मेरे भाई हैं, तो आपका आधा हुआ मेरा आधा हुआ, अल्लाह ने मुझे दो बाग दिए हैं, उनमें एक बाग मैं आपके लिए करता हूं, एक बाग मैं रख लेता हूं। अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो कहा कि बीबियों को देख लीजिए, जिस बीबी को आपको पसंद है मैं तलाक देता हूं, इद्दत के बाद शादी कर लीजिए। ये ईसार और कुर्बानी कहीं आप देख सकते हैं जो साद इब्न रबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से किया था, सब कुछ आधा आधा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया रज़ी अल्लाह अन, अल्लाह ताला आपके माल में, अहल में, औलाद में, सब में बरकत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि बाजार का रास्ता कहाँ है। फिर इसके बाद वो कहते हैं मैं खुद जंगल जाया करता था, लकड़ियां उठाता था, लकड़ियां ले आके सुबह सवेरे बेचता था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी तिजारत में बरकत दे दी, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिले तो पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या करते हो, कहा कि अल्लाह के रसूल यही काम कर रहा हूं कि सुबह सवेरे मैं जंगल जाता हूं, लकड़ियां काटता हूं और ले आता हूं और बेचता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से ये कलिमात निकल गए कि अब्दुर्रहमान तुम्हारे तिजारत में अल्लाह बरकत दे। बस इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अगर मैं मिट्टी भी उठा लेता तो अल्लाह इतनी बरकत देता कि सोना बन जाता। यानी मतलब यह है कि हर तिजारत में कामयाब, हर हैसियत से कामयाब, जो तिजारत किया, जो बिजनेस किया, अल्लाह ने मुझे दिया, यहां तक कि इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कहती हैं कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ का तिजारती काफिला आ जाता कि घर के पर्दनशीन औरतें तक जान जाती, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ और अजदहाम होता और हर तरफ घोड़ों की और ऊंटों के आवाजें आती कि समझ जाया करती कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला आ चुका है, जिससे मदीने की गलियां भर जाती और एक एक हजार दिरहम कभी कभी
अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बीवी को भेजते सिर्फ खर्चे के लिए, एक एक हजार दिरहम ने, एक एक हजार दिरहम, और साथ में कहते कि जो चाहे आप मंगवा लीजिए। और हुजरात के अंदर से जवाब आता कि अब्दुर्रहमान पर अल्लाह की रहमतें हों, वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों का बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन इधर हाल ये होता कि जैसे ही आता, अम्मा आयशा कहती हैं कि ऐसे हम उठ जाते, ऐसे गोया कि कुछ आया ही नहीं। शाम के अंदर अंदर सुबह आता तो सब तकसीम हो जाता, शाम के अंदर अंदर कोई चीज जखीरा नहीं होती, सब के सब अल्लाह के राह में दे देती थी। तो ये हालत थी अब्दुर्रहमान बिन औफ की। ये मुआशरा कहां से मिला, ये अखुवत रवादारी कहां से आई? ये वही असहाब थे जो एक दूसरे की मदद करना जानते थे, एक दूसरे को बढ़ाना, एक दूसरे के काबिल बनाना, एक दूसरे के साथ अफो दरगुजर का मामला करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना और उन्हें दुनिया और आखिरत के अंदर जो भी नेक काम है उनमें मदद करना। ये मुआशरा ऐसे बनेगा हमारा भी? कब बनेगा मेरे भाई, कब बनेगा? जब हमारे अंदर ये सोच हो ना कि हमें मुआशरा तश्कील देना है, हमें खाली खोली एक जिंदगी नहीं, हमें एक मुआशरा देना है, हमें एक बेहतरीन घराना बनाना है, तो तब हमें दरअसल एक चीज है जो सोच के साथ काम करने पर मिलती है। तो हमें सोच ही नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं, बस दूसरों को लेके चलना और दूसरों को आगे बढ़ाना। इस लिहाज से हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है इसके वास्ते अमीर अमीर होता ही जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुस्सलाम की तकमील बहुत जल्द मुकम्मल होने वाली है। इसके लिए आप हजरात सपोर्ट कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा सदक़ात व खैरात के ज़रिए, मरहूमीन के नाम से, और भी दूसरे जो इन्फाक के ज़राए हैं उन तमाम से मस्जिदुस्सलाम को और MSLA TV को आप सपोर्ट करते रहिए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।